दोस्तों, हमारे भारतवर्ष को यूं ही नहीं वीरों की भूमि कहा जाता। इस भूमि में कई महान पराक्रमी शासक एवं देशभक्तों का उदय हुआ, जो शास्त्र एवं शस्त्र के माध्यम से हमारे इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा कर कहीं दूर चले गए। भले ही साल दर साल बीतता गया, परंतु आज भी उनका महान इतिहास हमारे दिल में छाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुज्ञान और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अनसंग वॉरियर्स सीरीज के 31वें एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत भूमि के और एक भुलाया दिया हुआ स्वाधीनता संग्रामी चकरा बिसोई के बारे में, जिनका जीवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से काफी मेल खाता है, क्योंकि आज तक इनका डेथ या फिर डेड बॉडी का कोई पता नहीं चला। ये वीडियो हम हमारे दर्शक महेश सतपति जी के रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं। वो बहुत बार हमें मैसेज किए थे, परंतु हम समय के अभाव हेतु ये वीडियो नहीं ला पा रहे थे, जिसके लिए हम उनसे माफी चाहेंगे। खैर, चलते हैं दोस्तों इतिहास में 250 साल पीछे। आज के उड़ीसा राज्य के गंजाम, गजपति एवं कंधमाल जिले के ऊपर भंजवंशी राजाओं का शासन था और इस गड़जात राज्य का नाम था घुमसर। घुमसर राज्य चारों तरफ से पहाड़ एवं जंगल से घिरा हुआ था और इस राज्य के 80% आबादी वनवासी थे। भंज राजाओं ने ओडिशा में सुशासन के लिए काफी जाने जाते हैं, परंतु अब हालात कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि अंग्रेज एक के बाद एक राज्यों को निगलते जा रहे थे। घुमसर राज्य अंग्रेजों के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस राज्य प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर था। धीरे धीरे अंग्रेज लोगों के ऊपर कर के भार लाते गए। अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता तो उसे राजद्रोह के आरोप में फांसी अथवा काला पानी भेज दिया जाता था। राजा भी लाचार थे एवं घुमसर की जनता अत्यंत पीड़ा से जैसे तैसे जिंदगी काट रहे थे। परंतु सूत्रधर का सूत्र हर के, अहंकार का सीना चीर के तांडव करने, दीनहीन के भरोसा को जिंदा रखने, उस महान योद्धा को अपने घर में लेके आई एक महान माता। दोस्तों, शुरुआत करते हैं थोड़ा पीछे से। चक्रधर बिसोई के काका कमल लोचन दोरा घुमसर के महाराज धनंजय भंज के प्रधान सेनापति थे। जब अंग्रेज महाराज धनंजय भंज को गादी से हटा दिया, तब कमल लोचन दोरा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिए। पर अंग्रेज भी कहां हार मानने वाले थे। बार बार हुए हमले के कारण कमल लोचन दोरा अपने गांव बिंझगिरी को छोड़कर दोराबाड़ी नाम के स्थान पर चले गए। ये दोराबाड़ी नाम का स्थान करड़ा, रतबा, सोरड़ा, घुमसर एवं दारिंगबाड़ी के बीच स्थित था। वहां वो कंध आदिवासियों को संगठित करके उनका प्रशिक्षण शिविर बनाए और वहीं से वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गरिला युद्ध का ऐलान किया। सन 1823 पवित्र साम दशमी में जन्मे हमारे अनसंग वॉरियर चकरा बिसोई। जब चकरा बिसोई 13 साल के थे, तब तक उनके काका दोरा बिसोई अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जा चुके थे एवं उनके पिता राम सिंह बिसोई जी को अंग्रेज हत्या कर चुके थे। इनके अलावा चकरा बिसोई जी के रिश्तेदार नंद बिसोई, शंख बिसोई, पुनिया नायक भी शहीद हो चुके थे। चकरा बिसोई सिर्फ 13 साल की उम्र में पूरी तरह से अनाथ हो गए। फिर वो भी गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु जब उनके ऊपर केस चला, तब जस्टिस जज हटसन उनको नाबालिग बताकर रिहा कर देते हैं। अनाथ चकरा बिसोई को सहारा मिला तारका बिसोई से, जो बाद में उनके पत्नी बनी, और दोनों मिलकर चंद्रगिरी जंगल में घर बना के रहने लगे और वहीं पे चकरा बिसोई देवी माँ रणघंटा के मंदिर बनाए। माँ रणघंटा घुमसर राज्य की अधिष्ठात्री देवी थी। मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में जितने भी गड़जात राज्य था उनमें से सबसे शक्तिशाली था घुमसर। ये राज्य को अजय माना जाता था, क्योंकि यहाँ भंज वंश करीब 1003 साल से शासन कर चुका था और ना जाने कितने युद्ध लड़कर विजय भी रह चुका था। परंतु अब समय बदल चुका था। विश्व में सबसे ज्यादा दिन शासन कर चुके भंज वंश को अंग्रेज अपने अधीन लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, पर उनके रास्ते में एक क्षत्रिय चकरा बिसोई चट्टान की भांति खड़ा था। दोस्तों, एक लोक कथा के मुताबिक जब अंग्रेज आक्रमण के लिए आते थे, तब माँ रणघंटा जी के मंदिर की घंटी अचानक से जोर से बज उठता था एवं चकरा बिसोई और उनके लड़ाके अचानक से सावधान हो जाते थे। चाहे आप इसे अंधविश्वास माने या कुछ और, यह आपकी मर्जी। घुमसर के नुआगा में अंग्रेज अपना कार्यालय बनाए और यहीं से वो प्लानिंग करते थे कि कैसे लोगों को शोषण किया जाए और घुमसर राज्य को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए।
सन 1841 को पाइक सेना एवं कंध आदिवासी मिलकर ये दफ्तर को आग के हवाले कर दिए एवं इसी के साथ अंग्रेजों के बहुत सारे कीमती डॉक्यूमेंट जल के स्वाहा हो गया। सन 1846 में अंग्रेज ऑफिसर जनरल डाइस चक्रा बिसोई के सर पे 3000 रुपए का इनाम रख दिया, तो चक्रा एवं उनके सहयोगी पाइक सेना बौद्ध राज्य चले गए और यहाँ का डेमासी और रथाबारी गाँव में 500 कंध परिवार चक्रा बिसोई के गरीला वाहिनी में सम्मिलित हो गए। कंध आदिवासियों के ऊपर अंग्रेजों का कुछ ज्यादा ही गुस्सा था क्योंकि 1803 में शुरू हुआ पाइक विद्रोह में कंध जनजाति क्षत्रिय कुल गौरव बक्सी जगबंधु जी के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर अंग्रेजों के साथ खूब लड़ा था, इसलिए कंध आदिवासी अंग्रेजों के लिए कट्टर दुश्मन थे। तब कंध आदिवासी मेरिया प्रथा पालन करते थे जो कि एक बड़ी प्रथा था, तो जनरल मैकफर्सन इस प्रथा को दमन करने के बहाने आदिवासियों को हिंदू धर्म से जबरन ख्रिस्ट धर्म में धर्मांतरण करते थे जो कि कंध आदिवासियों का धार्मिक भावना को आहत करने के लिए काफी था। इसके खिलाफ बौद्ध में विद्रोह का शुरुआत हुआ और इसका नेतृत्व नवघन कौर और उनके पुत्र वीर कौर ले रहे थे। एक रात अंग्रेज वहां अचानक से धावा बोला एवं वीर कौर को गिरफ्तार कर लिया। अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था, एक तरफ पाइक सेना और आदिवासी खड़े थे तो दूसरे तरफ अंग्रेज और कुछ देश के गद्दार खड़े थे। दोस्तों एक बात बताऊं, क्षत्रिय एवं आदिवासियों का रिश्ता इतिहास में दो भाई की तरह रहा है। आप महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध देख लो, रानी दुर्गावती के सेना देख लो, पाइक विद्रोह देख लो या फिर घुमसर के कंध विद्रोह देख लो, यहाँ दोनों हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। परंतु कुछ राजनैतिक दल एवं रिलीजियस मिशनरी ये संबंध में फूट डालने का भरसक प्रयास करते हैं जो कि वाकई ही दुर्भाग्यपूर्ण। खैर जब अंग्रेजों को पता चला कि चक्रा बिसोई बौद्ध में है तो सेना लेकर अंग्रेज बौद्ध राज्य की तरफ बढ़े चले आ रहे थे, तो इसी बीच बौद्ध के राजा फुलबाणी प्रांत को अंग्रेजों को देकर बिना किसी शर्त में अंग्रेजों से अपना पीछा छुड़ाया। फिर अंग्रेज वहां दीनबंधु पटनायक को डिप्टी कलेक्टर बनाए। दीनबंधु पटनायक चक्रा बिसोई को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया परंतु उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर वो घोषणा किया कि अगर चक्रा बिसोई सरेंडर करेंगे तो उनको माफ कर दिया जाएगा और उनसे पेंशन भी दिया जाएगा। दोस्तों एक सच्चा देशभक्त के लिए ये सब का मूल्य पेड़ की धूल के बराबर था। जब इन सब का कुछ फायदा नहीं मिला तो 1954 दिसंबर 28 को जनरल मैकडोनल्ड डेमासी और रथावारी गांव के ऊपर हमला कर देते हैं और लोगों के घर में अग्निसंजोग कर देते हैं। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया, अनुगुल के राजा सोमनाथ सिंह चक्रा बिसोई को समर्थन करते थे तो अंग्रेज उनको सन 1848 को गादीच्युत कर देते हैं और इसी बात से गुस्साए अनुगुल सेना के 200 पाइक सरदार चक्रा बिसोई के तरफ हो जाते हैं। दोस्तों दक्षिण पश्चिम एवं पूर्व उड़ीसा में चक्रा बिसोई का दबदबा ऐसा बढ़ा कि भारत के तबका बड़लाट लॉर्ड डेलहाउसी भी चक्रा बिसोई को पकड़ने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी के हेड को निर्देश दिया। चक्रा बौद्ध विद्रोह के दायित्व नवघन कौर एवं महेश्वर कौर को देकर कंधमाल की डेकांगी चले गए और वहां से लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाए। दोस्तों इनके हरकत से परेशान अंग्रेज जब इनको पकड़ने के लिए कंधमाल पहुंचे तब ये कंधमाल छोड़कर पाटनागढ़ के आठौगांव चले गए और वहां का सरदार धर्म सिंह मांधाता के साथ मिलकर अंग्रेजों के ऊपर हमला किया और इस हमले में जनरल मैकडोनल्ड बाल बाल बचे। फिर अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए पुरस्कार राशि 10,000 रुपये कर दिए, परंतु चक्रा को पकड़ना इतना आसान नहीं था। फिर वो सन 1855 में कलाहंडी चले गए और वहाँ का मदनपुर के राजा राजा हरिहर सिंह मर्दराज जी के सहयोग में वहाँ भी विद्रोह का बीज बो दिए। इस विद्रोह को दमन करने हेतु नागपुर के कमिश्नर को निर्देश दिया गया तो वो जनरल नील को ये कार्य करने के लिए भेजा। इस विद्रोह का नेतृत्व रेंड माझी कर रहे थे और अंग्रेज उनको दिन दहाड़े रस्सी में बांधकर बीच चौराहे में ले जा रहे थे। अपने सरदार रेंड माझी का ये हालत देखकर विद्रोही प्रजाओं का गुस्सा फूट पड़ा तो वो जनरल नील के ऊपर हमला कर दिए और इसी में जनरल नील गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इसके साथ 1856 में पारला खेमुंडी राज्य में सोरा विद्रोह जोर पकड़ रहा था और इसका नेतृत्व ले रहे थे राधाकृष्ण दंड सेना। यहाँ भी चक्रा बिसोई उनको काफी सारा मदद कर रहे थे। जब अंग्रेजों को पता चला कि चक्रा पारला खेमुंडी में है वो उन्हें पकड़ने के लिए पारला खेमुंडी आए, पर चक्रा पारला खेमुंडी छोड़कर नयागढ़ चले गए। वहाँ करमन आंदोलन चल रहा था जिसका नेतृत्व ले रहे थे कमल लोचन पाइक राय। चक्रा बिसोई कमल लोचन पाइक राय को सैन्य एवं हथियारों का मदद किया और वहां से फिर पाटनागढ़ राज्य के आठगांव चले गए।
वहां का डिप्टी कलेक्टर दीनबंधु पटनायक 1856 में मार्च के महीने में एक अलाउड स्ट्राइक का प्लान किया और इसी के साथ 70 सशस्त्र पुलिस बल को लेकर अठगा गांव को चारों तरफ से घेर लिया। परंतु ये दांव उल्टा पड़ गया एवं उनके ऊपर पाइक सेना एवं कौंध आदिवासी मिलकर हमला कर दिए। फिर दीनबंधु पटनायक वहां से जान बचाकर भाग गए। सन 1857 अक्टूबर 15 एवं अक्टूबर 26 को गढ़जात सुपरिटेंडेंट जीएफ ककबन छोटनागपुर कमिश्नर को दो पत्र लिखते हैं। वो पत्र में लिखते हैं कि पाटनागढ़ राज्य के तेल नदी के तट पर चकरा एवं उनके गरिला वाहिनी छावनी बनाकर रह रहे हैं, उनको तुरंत पकड़िए। दोस्तों, ये समय था सिपाही विद्रोह का। नाना साहेब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे आदि महान स्वाधीनता संग्रामी इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़ाई कर रहे थे। जैसे ही चकरा बिसोई को पता चला कि अंग्रेज आने वाले हैं तो वो झांसी चले गए एवं रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ मिलकर सिपाही विद्रोह का नेतृत्व लिए। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ रिकॉर्डेड है, पर इसके बाद वो कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं पता। वो जहाँ भी चले गए कोई बात नहीं, पर उनके शौर्य गाथा आज भी हमारे हृदय में एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है। रुकिए जरा, ये शायद घुमसर विद्रोह एवं चकरा बिसोई जी के ऊपर हिंदी भाषा में बनने वाला पहला वीडियो है जो YouTube पे अपलोड हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुनिया में सबसे ज़्यादा करीब 1003 साल तक शासन करने वाले भंज वंश के राजा एवं घुमसर राज्य के बारे में सबको बताएं। खैर, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए अनसंग वॉरियर के साथ इसी सीरीज के 32वां वीडियो में। तब तक जय जगन्नाथ।